अर्जुन अच्छा क्या करने वाला यस सर। क्या करने लगा सर एक क्वेश्चन है वो समझना है। क्या आपके पीछे कहीं पेन वेन चल रहा है क्या आपका पेन क्या पेन चल रहा है आपके पीछे कहीं बोल रहे हो? आपके पीछे कोई फैन चल रहा है फैन पंखा चल रहा है क्या कोई पेन? फैन 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 पंखा हाँ चल रहा है। फैन हाँ उसके कारण आपकी वॉइस जो है ब्रेक हो रही है फैन मतलब पंखा हाँ सर समझ आ गया। तो उसके कारण पंखे की डिस्टरबेंस आ रही है हवा आवाज में इसलिए आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही ठीक आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यस सुनो मैं आपको बेटा क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक मिनट रुको मैं नेट से निकालता हूँ मेरा फाइल फिर करवाता हूँ देख कर चैप्टर कौन सा पढ़ाना है आपको अभी लीनियर इनइक्वालिटी। इंजीनियरिंग आपको मैंने कल जो करवाया था वो क्वेश्चन आपने कर लिए सारे यस सर। वो समझ में आ गए आपको यस सर। रुको बेटा मैं कहीं और से पूछूंगा इंजीनियरिंग कोई बेटा कितने हाँ जी बेटा मैं चुट देख रहा था फिर हो रहेगी जीरो
बेटा अभी भी पंखे की आवाज आ रही है पीछे से। आपके पास तो बुक है ना? यस सर। सारी क्वेरी बेटा। अब मैं आपको सबसे पहले वही एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको होपफुली इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है सर, 6.2 और 6.3 नहीं आ रही। 6.2 6.3 आई नहीं रही? नो सर, डिलीटेड है। तो 6.1 करवानी है बस आपको? यस सर। आपको सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए मेरे को टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैंने कहा पता नहीं क्या करवाना, मेन एक्सरसाइज ही वही है जो आपकी टीचर करवा रखी है। चलो देखो फिर क्या रह गया, फिर तो कुछ करवाना ही नहीं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं। फिगर आउट फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट इज। मैंने कहा पता नहीं पेपर में क्या ऐसा हो गया, मैं तो थर्ड एक्सरसाइज पढ़ाने के चक्कर में था, वो पढ़ा नहीं मुझे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा फटाफट से, बस आप देखते जाओ, कुछ करना ही नहीं, टाइम नहीं लगेगा। देखो क्या कह रहा है, पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉल्व 24/x, क्या कह रहा है? सॉल्व 24x इज लेस देन 100। ठीक है, आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, 24x इज लेस देन 100, तो x इज लेस देन 100 बाय 24, 4 से काट दो। ठीक है, 25/6 आ गया बेटा। ठीक है, x is less than 4.16 something कुछ आ जाएगा। अब यानी कि x के लिए 4.1 से नीचे नीचे है। बताओ पहला क्वेश्चन क्या है? x is a natural number, बताओ natural number कौन से थे 4.1 से छोटे छोटे? 1, 2, 3, 4 यही होंगे। हाँ जी बेटा क्लियर, बस हो गया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या, x is an integer? सर ये पॉइंट वाले नहीं होते नेचुरल नंबर बेटा? एक मिनट, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर पता है आपको कहां से शुरू होते हैं? हां सर, 1 से। तो फिर 1 2 3 4 ये क्यों होता? सेकंड में बोल रहा है इंटीजर, तो 4 3 2 1 0 माइनस 1 एंड सो ऑन, क्योंकि तो आगे चलते जाएंगे सारे। ठीक है जी, क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन मेरे से, -12x इज ग्रेटर देन 30। मैंने आपको सिर्फ एक ही बात पढ़ाई थी, क्या कि माइनस के नंबर से डिवाइड करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बताई थी बेटा उस दिन बात। तो -12 से डिवाइड करो तो सिंबल बड़े से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बस ये ध्यान। ठीक है, x is less than minus 15/6, x is less than minus 2.5। ठीक है बेटा, डन। अब बताओ फर्स्ट पार्ट क्या है। x is a natural number, बताओ natural number कौन से होते हैं? Not defined, इससे छोटा कोई natural number होता ही नहीं। ठीक है जी, clear? Yes sir। Second part में क्या बोल रहा है बेटा, माइनस 2.5 से छोटा क्या होता है? माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 5x माइनस 3 इज लेस देन 7, 5x माइनस 3 इज लेस देन 7,
5x इज लेस देन 10, 7 प्लस 3 हो जाएगा वहां पे जाके, x इज लेस देन 2, बताओ बेटा क्लियर है? यस सर। हां जी बेटा, पहले हम सोच सकते हैं 5x इज लेस देन 7 प्लस 3 हो जाएगा ना वहां जाके, 5x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 2। अब बताओ बेटा फर्स्ट पार्ट क्या है? x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, उसमें इक्वल टू का साइन तो नहीं लिखा हुआ ना, देख लो क्वेश्चन में। तो दो से छोटे इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर कौन से होते हैं? 1, 0, माइनस 1 एंड सो। सेकंड पार्ट में क्या है बताओ? सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है x इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर तो सारे ही होते हैं, ठीक है? एनी नंबर लेस देन 2, अब मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता, इज रियल नंबर, बिकॉज वो 1.99 भी हो सकता है, 1.999 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो से छोटे सारे नंबर, इट कैन बी फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है मतलब, ठीक है, क्लियर? यस। अब क्या हमारा फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x plus 2 is greater than 2, क्वेश्चन नंबर 4, 3x plus 2 is greater than, 3x plus 8 is greater than 2, sir, ठीक है, डन। तो क्या हो जाएगा, 3x is greater than 2 minus 8, 3x is greater than minus 6, x is greater than minus 2, अब यहाँ पे सिंबल चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 3 से, ठीक है बेटा? यस। एक्स माइनस 2 से बड़ा कहाँ पर होता है? राइट साइड में होता है, ठीक है, नंबर लाइन पे, याद है ना मैंने उस दिन बताया था नंबर लाइन, क्लियर? यहाँ पर बोल रहा है x 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा कहाँ पर होगा? इधर होगा, जब उसने बोला x माइनस 2.5 से छोटा है तो माइनस 2.5 से छोटा भी इधर ही होगा, x जब छोटा है हमारा 4.16 है तो वो भी इधर ही होगा, ठीक है, क्लियर? x माइनस 2 से बड़ा कहाँ होता है? राइट साइड में होता है। अब पहला पार्ट पढ़ो, पहला पार्ट क्या हमारा, फर्स्ट पार्ट है x इज इंटीजर, इंटीजर है तो क्या होगा, माइनस 1, 0, 1 एंड सो ऑन। सेकेंड पार्ट में कह रहा है माइनस 2 से बड़ा रियल नंबर, तो एनी नंबर ग्रेटर देन माइनस 2, ठीक है जी, समझ आ गई बात बेटा? सर 1 से स्टार्ट होंगे? नहीं बेटा, माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए, माइनस 2 से बड़ा, माइनस 1.99999, ये भी हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब वो नंबर जो बचपन से सुनते आ रहे, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, माइनस 3/5 भी हो सकता है, माइनस 5/7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए बस, ठीक है, वो रियल नंबर है, मतलब इमेजिनरी नंबर आयोटा नहीं होगा बस उसका, ठीक है, नेगेटिव भी आ जाएंगे, हाँ, माइनस 1.999 भी आएगा, माइनस 1 भी आएगा, माइनस 0.5 भी आएगा, माइनस 0.7 भी आएगा, माइनस 0.3 भी आएगा, सब आएंगे, लेकिन माइनस 2 से छोटा नहीं होना चाहिए नंबर, माइनस 2 के राइट में कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, क्लियर? यस सर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सर बताओ कॉपी कर लिया आपने? नो। तो कर लो फिर कॉपी, थोड़ी देर बाद में इकट्ठा ही कॉपी कर लेना, मैं लिख लूं पूरा। हाँ जी अक्षिता, मैं लिख लूं पहले। यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है 4x plus 3 is less than 5x plus 7। एक अंक को कुछ और भी बाहर निकालता हूँ, ऐसे दिक्कत हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन है 4x+3 इज लेस देन 5x+7। हाँ जी बेटा, क्लियर है? नजर आ रहा है क्वेश्चन आपको? यस सर। चलो और बड़ा कर दो, आपको देखने में आसानी। 4x+3 इज लेस देन 5x+7, ठीक है? तो आप बड़े नंबर की तरफ छोटे नंबर को लेके जाओगे, ध्यान रखना। 5x-4x नहीं बताया था बेटा मैंने आपको, ये जगह माइनस फोर इज लेस देन। मैंने इसको पढ़ने का तरीका बताया था, पहले किसको पढ़ते हैं हमेशा? एक्स को। एक्स को, अब एक्स की तरफ मुंह बताओ, बड़ा है छोटा है? एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर। तो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर, ग्रेटर देन और क्या होगा? ग्रेटर देन माइनस फोर, ठीक है? तो आपको सिर्फ ये बताना है, क्लियर? तो देयरफॉर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर। बताओ नंबर लाइन पर माइनस फोर से बड़ा नंबर कहाँ तक जाता है, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो जब ये राइट हैंड साइड पे जाता है तो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप हमेशा एक्स लिखोगे, हमेशा ऐसे सिंबल बना दोगे बस। मैंने कल आपको यही बात बताई थी, याद है? कि कभी भी आपने दूसरे ये वाले सिंबल कभी भी सीखने भी नहीं और लगाने भी नहीं, मतलब खुद नहीं लगाने, किताब में लिखे तो हम पढ़ सके लेकिन आपको खुद नहीं लगाना कभी भी वो बड़े वाला सिंबल ऐसे। आप हमेशा यही सिंबल लगाओगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है नंबर लाइन में छोटा नंबर इधर होता है, बड़ा नंबर राइट हैंड साइड पे होता है, पता है ना? यस। देन तो बस ये आपको बात याद रखनी है हमेशा। क्लियर है बेटा? अगली बार क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा 3x-7 इज ग्रेटर देन 5x-1। तो बड़ा नंबर 5x है 3x है? 5x। तो हम 5x की तरफ लेकर जाएंगे, 5x-3x। -6 इज ग्रेटर देन 2x, 2 से कर दो डिवाइड। अब बताओ बेटा कैसे पढ़ोगे? x इज लेस देन -3। x इज लेस देन -3, तो -3 से छोटा कहाँ पर होता है बेटा, राइट में लेफ्ट में बताओ? लेफ्ट। ठीक है, तो -3 से छोटा कहाँ तक जाएंगे, -∞ तक जाएंगे। हमेशा सिंबल हम यही लगाएंगे, मैंने आपको बताया -∞ लेस देन -3, ठीक है राजे? क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया बेटा। अब आ जाओ राजे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 3x-1 मल्टीप्लाई कर दो, 3x-3 इज लेस देन इक्वल टू 2x-6। बताओ बात क्लियर है? अगर इक्वल टू का सिंबल लिखा हो तो लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे, ठीक है? आप देखो बड़ा नंबर कौन सा है, 3x या 2x? 3x। तो 3x-2x इज लेस देन -6+3, ये है x इज लेस देन -3, ठीक है राजे? आप बताओ इसको कैसे पढ़ोगे? x is less than minus 3 equal to भी है ना? बिल्कुल बेटा, equal to भी चलेगा राजे। तो हम इसको पढ़ेंगे x is less than, देखो रुको, x is less than and equal to -3, x is less than and equal to -3, ठीक है बेटा? -3 से छोटा है जब equal to का सिंबल भी हो ना, वैसे अगर हो तो यहाँ पे सिर्फ हम गोला लगाते हैं ऐसे सर्कल, ठीक है, लेकिन डार्क नहीं करते। अगर इक्वल टू का सिंबल होगा ना तो हम यहाँ पे डार्क भी कर देंगे, ठीक है? हम -3 से कहाँ तक जाएंगे, -∞ तक जाएंगे बेटा। तो इन्फिनिटी के साथ कभी भी इक्वल टू का सिंबल नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है बेटा? हो गया क्वेश्चन भी? यस। क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8, 3 into 2 minus x
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इनटू 1 माइनस x, ठीक है बेटा। पी टू जा 6 माइनस 3x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 2x, कौन बड़ा बेटा, माइनस 2x माइनस 3x, माइनस 2x, तो माइनस 2x, 6 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3x, ठीक है बेटा। 4 इज ग्रेटर देन x, अब बताओ इसको कैसे रीड करोगे बेटा, x इज बोलो क्या बोलोगे, लेस देन 4, x इज लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो नंबर लाइन पे 4, 4 से छोटा नंबर कौन सा, राइट में या लेफ्ट, लेफ्ट में, कहां तक जाएंगे बेटा, माइनस इनफिनिटी तक जाएंगे, बीच में x इक्वल से सिंबल, ठीक है, डन। यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल दिया जाएगा, तो यही हमारा आंसर है, माइनस इनफिनिटी लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है बेटा, हो गया डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, अब आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस x बाय 2 प्लस x बाय 3 इज लेस देन 11, क्या आ गया बेटा, क्या आ गया बेटा, बेटा क्या आ गया इस क्वेश्चन में, फ्रैक्शन आ गया, अशोक सर को फ्रैक्शन पसंद नहीं है, 3 एंड 2 का एलसीएम कितना होता बेटा, 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6, 6 इंटू एक्स 6x, 6x बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3x, 6x बाय 2 को मल्टीप्लाई, x बाय 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज लेस देन 66, बेटा सही है, समझ में आ गई बात, यस सर, जरा लिख के दिखाऊं, 6x प्लस 6 इंटू एक्स बाय 2 प्लस 6 इंटू एक्स बाय 3 इज लेस देन 6 इंटू 11, यही होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, बताओ कितना आ गया, 11x is less than 66, x is less than 6, देखो एक ही स्टेप में हमारा आंसर भी आ गया फ्रैक्शन कटते ही, ठीक है, x इसको कैसे पढ़ोगे बेटा, x is greater than 6, ओए greater less than, x is less than 6 कहाँ आएगा, minus, minus infinity, तो बस यही हमारा आंसर है, ठीक है बेटा, हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी। क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या कह रहा है, x by 3 is greater than x by 2 plus 1, क्या आ रहा है इसमें, फ्रैक्शन, अशोक सर को फ्रैक्शन पसंद नहीं है, तो सर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे दोनों तरफ, 6 into x by 3, 6 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 6, यहाँ पर क्या जाएगा 2x, यहाँ पर क्या जाएगा 3x प्लस 6, बड़ा नंबर कहाँ पर है राजे, राइट एंड साइड 3x, वहां ले जाएंगे, तो माइनस 6 इज लेस देन 3x माइनस 2x, अब इसको पढ़ोगे कैसे बेटा, शाबाश, x इज लेस देन माइनस 6, x इज लेस देन माइनस 6, माइनस 6 से छोटा कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है माइनस माइनस इन, ठीक है राजे, हो गया, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट, नो सर, क्वेश्चन नंबर 11, थ्री इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3, ऊपर हो गया 3x माइनस 6 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल 10 माइनस 5x अपॉन 3, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर, अगेन क्वेश्चन में क्या आ गया, फ्रैक्शन, अशोक सर को फ्रैक्शन पसंद नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय 15, 15 इंटू 3x माइनस 6 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 15 इंटू 10 माइनस 5x बाय 3, 5 से 15 कटा कितना हो गया 3, 3x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस 5x, ठीक है बेटा, क्लियर, यस, 3 3 जा 9x माइनस 18,
इक्वल टू 50 माइनस 25x, ठीक है राजे? यस सर। बड़ा नंबर कौन सा? 9x। 9x, तो 9x में 25 को हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है बेटा? इज लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18, कितना हो गया बेटा? 34x इज लेस देन इक्वल टू 68, x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है राजे? हाँ जी बेटा, क्लियर है बेटा? यस सर। तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है बेटा, x हमारा 2 से छोटा है बेटा। 2 से छोटा कहां पर होता है बेटा? राइट में, लेफ्ट? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कहां तक जाएंगे? माइनस इनफिनिटी, ठीक है बेटा, हो गया। और मैंने बताया था इनफिनिटी के साथ कभी भी इक्वल टू नहीं आता, ठीक है बेटा? बेटा देखो, मैंने आपको परसों जो बातें पढ़ाई थी ना, मैं उससे देखो बिल्कुल बाहर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बताओ। परसों मेरे को 2-3 छोटी छोटी बातें बोली, देखो उसी के बेस पे पूरे चैप्टर पढ़ा दूंगा, देखने में आपको समझ में आ रही बात बेटा यहाँ तक? यस सर। 1/2 × 3x + 5 3x/5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 × x - 6, ठीक है? डन। तो अब देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पूरे का एलसीएम बताओ कितना आएगा? 30, ठीक है? यस सर। मल्टीप्लाई बाय 30, 30 × 1/2 × 3x/5 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 × 1/3 × x - 6, ठीक है बेटा? यस हो जाएगा 15, हो जाएगा 3x/5 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 × x - 6। मैं 15 को देखेगा अंदर, 15 × 3x/5 + 60 इज ग्रेटर देन इक्वल 10x - 60। 5 से कटा कितना हो गया? 9x + 60 इज ग्रेटर देन इक्वल 10x - 60। कौन बड़ा है बेटा, 10x 9x? 10x। हाँ, तो बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है, ध्यान रखना इस बात को। 10x - 9x 120 इज लेस देन x, ठीक है राजे? अब बताओ बेटा कैसे पड़ेगी बेटा, इसको बताओ शाबाश। x इज लेस देन इक्वल टू 120, यही पढ़ेंगे ना बेटा? डन, क्लियर है? x इज लेस देन इक्वल टू 120, तो बेटा नंबर लाइन पे 120 कहीं पे भी हो, कहाँ जाएंगे बेटा? राइट में, लेफ्ट में? लेफ्ट। लेफ्ट में कहाँ तक जाएंगे राजे? माइनस इनफिनिटी तक। माइनस बीच में x लिखेंगे, ये हमारा सिंबल आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन भी? यस सर। हाँ जी, डाउट। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, 13 नंबर, ठीक है? 2 × 2x + 3 - 10, ये क्या हो रहा है? -10 लेस देन इक्वल टू 6 × x - 2 4x + 6 - 10 इज लेस देन 6x - 12, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 4x - 4 इज लेस देन 6x - 12। बड़ा नंबर कौन सा? 6x। हाँ, तो हम क्या करेंगे? -4 + 12 इज लेस देन 6x - 4x। 8 इज लेस देन 2x, 2 से कर दो डिवाइड। कैसे पढ़ोगे बेटा शाबाश इसको? x इज ग्रेटर देन 4। x इज ग्रेटर देन 4, x 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा कहाँ पर होता है बेटा? नंबर लाइन पे, राइट हैंड साइड में, इनफिनिटी सिंबल हमें चाहिए, ठीक है बेटा? बस हो गया क्वेश्चन नंबर 13। यस। क्वेश्चन नंबर 14, 37 माइनस 3x + 5 is greater than equal to 9x - 8 × x - 3. So 37 - 3x - 5 is greater than equal to
9x माइनस 8 से करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। जब माइनस 8 से मल्टीप्लाई करो बेटा साइन जरूर चेंज कर देना, कहीं माइनस को देख के आ जाओ। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात यहाँ तक? सर। अब बेटा पहले जो इसको सॉल्व कर सकते हो कर लो। 32 माइनस 3x, x प्लस 24, बड़ा नंबर कौन सा? हाँ जी बेटा, x एक्स माइनस 3 x, तो हम उस तरफ लेके जाएंगे। एक्स प्लस 3x कितना हो जाएगा? 8 इज लेस देन 4x, 2 इज लेस देन इक्वल टू x। कैसे पढ़ोगे बेटा इसको? शाबाश, एक्स इज लेस देन टू, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन। बेटा बात बड़ी छोटी सी है, क्लास में जाके देखना, बच्चों को पढ़ना तक नहीं आता होता इसको। पता है कैसे पढ़ते हैं? टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, उससे कुछ भी समझ में नहीं आता। और जैसे बोलते हो एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू, तो आपको कितनी जल्दी बात समझ में आती यस सर। है? एक्स 2 से छोटा है बेटा, कहाँ पर होता है? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, समझ में आती है बात? तो भाई यही हमारा आंसर है। चल चलिए यस आगे। सर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा अब हमारा 14। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 है रजे, एक्स बाय 4। अरे क्या हो गया ये, बड़ा 15 ये है बेटा, एक्स बाय 4 इज लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है, क्या करेंगे हम? सबका एलसीएम कितना आ रहा है? 60। ठीक है, यस सर। 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 इंटू एक्स बाय 4 माइनस लेस देन 60 इंटू 5x माइनस 2 बाय 3 माइनस 60, 7x माइनस 3 बाय 5। ठीक है बेटा, यही करेंगे। यस 60 से करूंगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा राजे? 15x। ये क्या हो जाएगा बेटा? 20 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 12 इंटू 7x माइनस 3। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है राजे? नो सर। चलो अब बेटा जो हमें आता है वो करेंगे। ये हो जाएगा बेटा 100x माइनस 40 माइनस 1284x प्लस 36। ठीक है बेटा, 15x इज लेस देन 16x माइनस 4, बड़ा नंबर कौन सा? 16x। 4 16x माइनस 36। अब कैसे पढ़ोगे बेटा इसको? एक्स इज ग्रेटर देन फोर, फोर ठीक है, चार से बड़ा कहाँ पर होता है? इंफिनिटी तक ही हमारा आंसर, राइट? हाँ जी, ठीक है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपके पास, देख लो क्वेश्चन भी। 2x माइनस 1 बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 बाय 4 माइनस 2 माइनस एक्स बाय 5। क्या बेटा एलसीएम? मल्टीप्लाई बाय 60, 60 इंटू 2x माइनस 1 बाय 3 इज ग्रेटर देन 60 इंटू। बेटा क्वेश्चन तो सारे ले जाने के, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ तब तक। ठीक एक मिनट बेटा, रहा किसी पेरेंट्स का फोन आ रहा है वहां पे। और
अक्षिता रोटिका जी, हेलो अक्षिता, वॉइस आ रही है? अक्षिता वॉइस आ रही है? यस, तो बोलो ना, मुझे कैसे पता आवाज आ रही है? सर वो अभी अभी आया था, कॉल कर रही थी मैं अपनी फ्रेंड को, ही पूछ रही थी कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले आएंगे क्या। क्या कह रही है, आएंगे ना? उसने उठाया ही नहीं। कोई बात नहीं, वैसे मैम ने रजिस्टर में यहीं तक करवा रखे 20 तक, इसलिए पूछ रही थी कभी मैंने ना कर रखे हो।
पूछ लो बेटा, कोई बात नहीं बेटा, जो कहोगे मैं करा दूंगा। बेटा देखो, मैं सारा दिन ना क्लास ले रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था। अभी मैं घर के अंदर घुसा हूँ, मेरी वाइफ मुझे 10 सामान लाने के जरूरी है जाके। मुझे मैं कहा पहले मैं क्लास ले, उसका कल पेपर है। एक्चुअली घर पे आता हूँ तो मेरी वाइफ मुझे बोलती है सामान लेना, वो सामान लेना। मैं कहा मैं बाद में जाऊंगा, मैं भी आपको वाइफ के सामने मना ही नहीं कर रहा था उस समय कि मैं नहीं जा रहा अभी। अभी आपकी क्लास लेके फिर मैं मार्केट जाऊंगा अभी सामान लेने के लिए। तो बेटा घर भी तो जरूरी है ना, अब वहां पर लड़ाई करूंगा तो वो भी अच्छा नहीं। अब आपको भी नाराज नहीं कर सकते, बच्चों को भी पढ़ाना जरूरी है, उनका रिजल्ट है कल, तो सब चीजें जरूरी है। 40x-20, 45x-30, -24, +12x। बेटा बस ये ध्यान रखना, +12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जरूर कर देना। ये बच्चे मोस्टली गलती करके आते हैं, ध्यान रखना इस बात को। 40x-20 ≥ 57x-54। ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा बेटा बताओ? 57x। तो 57x-40x, 34 ≥ 17x, 2 ≥ 8। तो x = 2 आ गया बेटा। यस सर। नंबर लाइन पे देखो, 2 x = x 2 is less than हाँ जी। ठीक है बेटा, डन। यस ये तो सारे क्वेश्चन हो गए, बताओ आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन कराऊं या कंफर्म कर रहे हो भाई आप? सर रहने दो ये वाले, क्योंकि मैंने कर नहीं रखे हैं और याद भी नहीं आया। चलो अब आपको तो रिप्लाई देनी। क्या सर रिप्लाई देनी ना आपको। मैथ्स क्लास 11th शेयर। बाहर ही डाल रहा हूँ सर। आप नॉर्मल मैसेज पे शेयर कर सकते हो? क्यों, ड्राइव पे नहीं जा सकते आप? सर व्हाट्सएप पे नहीं जा सकते? नहीं नहीं बेटा, ड्राइव ड्राइव जीमेल पे जाना है आपको, जीमेल की ड्राइव पे जाना। ओके सर। आप खोलो जरा जीमेल की ड्राइव, चेक करो। जीमेल की ड्राइव पे जाओ जरा, 2 फाइल आई होंगी बेटा। देखो बेटा, यूआई फाइल में है सब कुछ आ गया। सेकंड फाइल देखो, अब आपके सामने खोलिए, मैंने भी आपके सामने। ठीक है राजे, आप एक बार रिफ्रेश करो जरा फाइल। आप कहाँ पर हो इस समय, ये देखो, ड्राइव खोली आपने? यस सर। इसमें मेरा ड्राइव खुला हुआ। ड्राइव में आप शेयर्ड में जाओ, ड्राइव में जाओ, शेयर्ड में जाओ, शेयर्ड कॉल में। शेयर्ड में देखो आपके पास फाइल आ रही होगी, ये वाली लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से ही आ रही होगी, पीडीएफ। आई सो पहले की आ रही है ये तो। हां जी, पहले जो शेयर हुई वो आ रही है सर, आप वाली नहीं आई। रिफ्रेश करो बेटा, रिफ्रेश करो। कर लिया बहुत बार। एक बार देखो, मैं दोबारा चेक करता हूँ।
बेटा आ रही होगी फाइल तो मेरे पास तो यहाँ पे नजर आ रही है बेटा। आपके पास वो बताओ टेलीग्राम है आपके पास, नो व्हाट्सएप है? ऐसे व्हाट्सएप है? एक मिनट रुको, फिर मैं व्हाट्सएप को वेट करो, मेरे को 2-4 मिनट अभी। यार रुको, मैं फाइल भेज ही देता हूँ, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं दूसरी जगह से खोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास तो 50 जुगाड़ है, वेट करो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स क्लास एंड शेयर, सर नहीं तो आप अभी एक एक पेज सिखा दो जो मैं असेस ले लूं। शायद है ना वो बोला पिक यस लेना या कुछ लेकर। तो बेटा मैं भेज ही दूंगा, वेट करो जरा मिनट, आप जो टेंशन मत लो। सर ऐसे जल्दी से हो जाएगा मैं ले लेती हूँ सर। मैं पूरी पूरी फाइल ही दे रहा हूँ आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो? 1 मिनट का टाइम तो दे दो। मैं खोल कौन सा ड्राइव किया ड्राइव की दिक्कत हो रही है भाई, कोई डिफेंडिंग पर कुछ नहीं मच सकती सही है। ये बता क्या फर्स्ट पेज आ गया? हेलो, हाँ पढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, हो गया? सर एक्सेस ना हाँ बेटा आ गई आ गई, वेट करो वेट करो, बस हो गया काम, हो गया, वेट फॉर अ सेकंड। एक्चुअली पता नहीं नेट इतना स्लो क्यों वहाँ पर, मुझे नहीं मालूम, नहीं तो नेट इतना स्लो होता नहीं। 1 मिनट में आपके फाइल ही आ, वेट करो, शायद मेरे का फाइल देख रहा हूँ, बस मैं चेक कर रहा हूँ कि फर्स्ट हो सेकंड हो, बस ठीक है। सेंड ए कॉपी व्हाट्सएप। अक्षिता बेटा एक काम करो, हाई लिख के भेजो जरा मेरे को व्हाट्सएप पे। नहीं रुको रुको, मैं कर रहा हूँ। अक्षिता एक मिनट का रुको, आई एम चेकिंग। अक्षिता जिंदल, चेक करो बेटा फाइल व्हाट्सएप पे, चेक करो। राजू सर कौन से वाले नंबर भेजिए? अब बेटा एक ही नंबर है मेरे पास इस समय, ये नंबर है 90133 ओके सर 34724। नो